हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, डिजाइन के लिए हमने ये कपड़ा लिया है और देखिए हमने ब्लाउज कट कर दिया। ये हमारा लाइनिंग है और ये हमारा ब्लाउज है। तो मैं आपको बताती हूँ उसका साइज क्या है। देखिए, इसकी जो लंबाई लिए हमें 15.5 इंच लिए, तैयार में ये 14 इंच आएगी। 1.5 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए लिया है इसमें। देखिए, हम 36 साइज का बना रहे हैं तो मैंने डबल फोल्ड में 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारे इसमें मार्जिन है। शोल्डर हमने 7 इंच लिए है, मुड्डी भी हमें 7 इंच लिए इसमें, 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से हम 4.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह हम 12 इंच तक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस तरह हम बॉक्स बना लेते हैं। और देखिए, इस तरह हम यहां से अंदर लेंगे, यहां जाके इस तरह ड्रॉ करेंगे और इस तरह हम राउंड में शेप देंगे इसकी। इस तरह ये ड्रॉ पे हम कट कर लेते हैं। देखिए, सर मैंने कट कर लिया है। हम सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट करेंगे। देखिए, मैंने कैनवास डबल फोल्ड कर लिया जो मेरा ड्राफ्ट निकला था, इसे हम इस तरह रखेंगे उसके ऊपर और सेम ड्राफ्ट हम कट कर लेते हैं। देखिए, सर मैंने कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1 इंच लेंगे। देखिए, सर मैंने कट कर लिया है। देखिए, जो हमने कपड़ा लिया था इसमें डिजाइन डालने के लिए, इस तरह से खोल लेते हैं। देखिए, इस तरह हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह। देखिए, इसकी जो लंबाई लेंगे हम 12 इंच लेंगे क्योंकि हमने 12 इंच पे कट किया था उसके राउंड शेप। और देखिए, इसमें हमारा 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा है। देखिए, यहां से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे, वो हमने 4.5 लिया था, इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए, ये हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसका जो नेक कट करेंगे हम और इस तरह हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह हम बॉक्स बनाएंगे और इस तरह हम इसमें राउंड शेप देंगे इस तरह। देखिए, यहाँ से हम मैंने कैनवास डबल फोल्ड कर लिया जो मेरा नेक निकला था, सेम ड्राफ्ट रख के हम कट करेंगे इसे। देखिए, इस तरह और इसकी चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच लेंगे। और देखिए, इस तरह यहाँ बीच हमारा जॉइंट नहीं है, कट है, तो हम जॉइंट कर लेंगे इसे। देखिए, हमने नेक कट कर लिया है, अब हम इसके लिए भी कैनवास कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है और देखिए इसकी चौड़ाई लेंगे वो भी 1 इंच लेंगे और हम ये ऊपर से कट करेंगे इस तरह। देखिए, इस तरह मैं एक और पट्टी कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया, अब हम नेक पट्टी कट करेंगे। नेक पट्टी की चौड़ाई हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया और हमने ये ड्राफ्ट रख लिया इसके ऊपर और हम सेम ड्राफ्ट हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने दोनों कट कर लिए, ऊपर की नेक भी कट कर लिया, हमने साइड का भी कट कर लिया है। देखिए, इस तरह मैंने सारा कुछ कट कर लिया है। अब मैं आपको उसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए, नीचे मैंने पट्टी रख ली है और उसके बाद मैं कैनवास रख लेती हूँ और जो मैंने 1/2 इंच में एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह फोल्ड करेंगे पूरे में। देखिए, इस तरह मैंने तैयार कर ली। इसी तरह मैं ऊपर की नेक और साइड का भी तैयार कर लेती हूँ।
देखिए मैंने ऊपर का नेक भी और साइड के दोनों तैयार कर लिए हमने। देखिए जो हमने बीच का कट किया था इसे मैं सीधा रख लिया है, हमने पट्टी तैयार की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने तैयार कर लिया, इसी तरह मैं साइड का और नेक भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए यहाँ का भी हमने तैयार कर लिया, नेक भी तैयार कर लिया और दोनों साइड के में ये भी तैयार कर लिए। अब हम ब्लाउज तैयार करेंगे इसका। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रख लिया है और ऊपर हमने जो लाइनिंग कट किया था इस तरह रखेंगे इसे, और इसका जो नेक है पिन से सेट कर लेंगे हम पूरा। देखिए मैंने पिन से सेट कर लिया पूरा नेक, और यहाँ भी हमने कैनवास जो कट की थी इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सर मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, अब हम बीच का नेक कट करेंगे इसका। देखिए इस तरह मैंने नेक कट कर लिया है, अब हम इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे इसे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी इसके ऊपर, अब जो हमने नेक तैयार किया था इसका जो बीच का इसे हम लगाएंगे इसमें। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया है और जो हमने बीच का तैयार किया था इसे हम इस तरह रखेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह मैंने सेट कर लिया है, अब हम पिन से सेट कर लेंगे इस तरह ऊपर इस साइड भी। देखिए इस तरह नीचे भी हम सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने पिन से सेट कर लिया है, अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे नीचे भी और यहाँ पे भी हम। देखिए सर मैंने नीचे सिलाई लगा दी है, अब हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए सर मैंने सिलाई लगा दी दोनों शोल्डर पे और हम नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे। देखिए मैंने बीच में से डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए इस तरह हम 3 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी निशान लगा। देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और हम 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने दोनों प्लेट डाल दी हमने, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसमें इस तरह और हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए नीचे हमने फिनिशिंग भी दे दी है, अब इसमें जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है सब कट कर लेते हैं। देखिए मैं एक्स्ट्रा का जो कपड़ा था वो भी हमने कट कर लिया है। देखिए हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग दे दी है, प्लेट भी डाल दी है और देखिए यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दी है। देखिए हमने ये भी सेट कर लिया है, देख सकते कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।